मुलायम के बर्थडे पर खर्च करके फंस गए आजम खान। जेल में रहते हुए अब बढ़ रही मुश्किलें। 8 साल पुराने मामले में फंसते दिख रहे आजम। क्यों योगी सरकार आजम के पीछे पड़ गई है? सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। जेल में रहते हुए सियासी मुलाकातों की वजह से वो सुर्खियों में हैं। लेकिन अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने भी 8 साल पुराने एक विवादित बयान को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी तलब किया है। मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी। ये पूरा मामला जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव की बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ था। यहाँ मीडिया ने भारी भरकम खर्च पर सवाल उठाए थे, ब्यौरा मांगा था, जिस पर आजम ने कहा था कि तालिबानी संगठन फंड से अनुदान मिला है। 22 नवंबर 2014 को उनका यह बयान मीडिया में आया, जिस पर काफी हल्ला हुआ। सुल्तानपुर के सिपुरी में रहने वाले ज्ञानेंद्र तिवारी ने इसी बयान को आधार बनाते हुए परिवाद कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का यह बयान देश समाज के लिए घातक है, उन्हें तलब किया जाना चाहिए। इस मामले में परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान दर्ज होने के बाद अन्य साक्षियों के बयान का सिलसिला शुरू हुआ। तारीख पर पैरवी नहीं होने की वजह से 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन ACJM पंचम की कोर्ट ने परवाद को निरस्त कर दिया था। इसके करीब 6 साल बाद ज्ञानेंद्र ने कोर्ट के जरिए निरस्त करने के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी। उसने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व अधिवक्ता के जरिए सही सूचना नहीं दी गई, जिससे निगरानी पेश करने में देरी हुई, यही आधार बताया गया। ज्ञानेंद्र ने अपने नए अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे से जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी दाखिल करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट आदेश को निरस्त करके दोबारा विधि अनुसार सुनवाई करने की मांग की, जिसके बाद अब सेशन कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री आजम खान व सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।